तो गाइस यहाँ पे देखो इतनी सारी मधुमक्खियां आ गई हैं, पता नहीं कहाँ से आ गई हैं। ये देखो इतनी सारी, पता नहीं ओए ओए अंदर कर, ओरी अंदर कर, अंदर कर, अंदर कर भाई, काट जाएगी इसको। ये देखो गाइस कितनी सारी हैं, पता नहीं कहाँ से आ गई। कोई मधुमक्खी का छत्ता, बड़ी मशीन से देख लो, शायद किसी ने मधुमक्खी का छत्ता तोड़ दिया ना। ओ भाई गॉड, भाई इतनी सारी देखना भाई, एक ने भी काट लिया ना अभी उसी। अपने यहाँ पे छत्ता ना बना ले कहीं, छत्ता बनाएंगे तो तोड़ना पड़ेगा और घूमता रहता है। हाँ ओरियो भाई, ओरियो को बाहर मत करियो। हम यहाँ पर अभी सारे बैठे थे, यहाँ पर चाय पी रहे थे, एकदम सोए पड़ने लगा और एक अंदर और अंदर और अंदर को फिर देखा। ओ भाई अंदर मत घुसने दियो एक को भी। तो गाइस बहुत ही सारी मधुमक्खियां हैं हमारे सिर के ऊपर उड़ रही हैं, हमारी छत के ऊपर पूरी मंडरा रही है। तो अभी फिलहाल डर सा लग रहा है, सबसे डर लग रहा है ओरियो के लिए। पूरी हमारी छत के ऊपर मंडरा रही है यार, ये तो अलग ही सीन हो गया देखियो। अरे भाई और किसी की छत पे नहीं है, सिर्फ हमारी छत पे है। अंदर चलो, अरे सिर पे बैठ जाएंगी ये, चलो सिर पे आपको छत्ता समझेगी। जल्दी आओ जल्दी, यहाँ पे बैठ गई इतनी सारी देखना छत पे। ये जो कपड़े टांग रखे है ना, इनको ध्यान से झड़का के डालना है, इसके अंदर कहीं एक दो घुसी हो, कहीं ये पैजामा के अंदर घुसी, कहीं तो पैजामा डाले, कहीं कहीं और ही काट लेते रहे। नहीं नहीं गए आपके ऊपर, देखो इतने सारे हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। तो बगल वाले प्लॉट के ऊपर आ गए हम सारी, हमारे छत से कम हो गए देखो, यहाँ पे अभी कम है लेकिन वहाँ पे भी कम है। चलो यहाँ से चली गई है। आज के दिन ओरियो का बाहर निकलना बंद है, ठीक है। और अंदर रह जाएगा ना मम्मी, एक दो भी अगर मान लो यहाँ पे होगी। अभी आता है देख, इनके आगे ना इनकी रानी होती है। अच्छा मधुमक्खी की। अच्छा वो जहाँ बैठेगी वहीं बैठ जाएगी। इनकी रानी होती है, पूछ ले पापा जी। हमने मूवी में तो देखा है, रानी होती है ना। मैं राजा हूँ। पियूसी एक ये देखिए री, इतनी बड़ी है देखिए री, ये तो असली वाली मक्खी है, असली वाली है ये तो, मक्खी है वो। उड़गी उड़गी। इन पौधों में देख ले कहीं छुपी तो नहीं है, हिला के देख ले। हाँ तो गाइस अभी सारी मक्खियां चली गई यहाँ से, कहीं यहाँ उनको अच्छी जगह नहीं मिली और कहीं और वो अपना डेरा बना रही है। तो चलो अब ओरियो को निकालते हैं, यहाँ एक भी मधुमक्खी नहीं बची। आलू अब फ्री हो मियाना। क्या हो, आपको पहले ही दिख गई थी मधुमक्खियां, इसको याद है मेरे को काटा था तो है। ओलू कैसे बैठ, जी पूछ रहा था मतलब ये खुश है। एनीवेज गाइस आज का सीन ये है, आज हम जा रहे हैं फाइनली हमारी कार बुक करने के लिए अभी, क्योंकि हमने एक और देखनी है ना, किया महिंद्रा वगैरह और देखनी है, तो अभी काफ़ी कंफ्यूजन चल रहा है, बट आज बुक जरूर करा के आनी है हमको। दो शोरूम में जाना है, किया और महिंद्रा के भी, तो देखते हैं कौन सी बुक कराते हैं हम। और काफ़ी एक्साइटमेंट फील हो रहा है बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पहली कार आना, वो भी बिल्कुल नई। तो पापा जी अभी लंच कर रहे हैं, उसके बाद चलते हैं, सामने हमारे गौरव भी है ना, उनके साथ में जाएंगे उनकी कार में, क्योंकि उनको नॉलेज है तो वो अच्छे से पता करके अच्छे से बुक करवा लेंगे एक गाड़ी। मैं भी रेडी हो जाता हूं। ओह आर यू एक्साइटेड, हम बुक करने जा रहे हैं आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। ओलू नींद में है, खतरनाक ही नींद में है तो, लेकिन अभी कोई गेट पे हाथ भी लगा दिया ना किसी ने गेट पे, तो ये जाल में से देख लेते हैं यहाँ से कि कोई गेट में हाथ भी लगा रहा है, ऐसे भौंकेगा और कोई अंदर घुस गया फिर तो यहाँ से भौंक के जाएगा सीधा और उसके वो काम तमाम। तो अब वो घड़ी आ चुकी है, हम निकलने वाले हैं, गौरविया ने बोल दिया कि रेडी हो जाओ, तो चलो ओलू मिलते हैं आने के बाद, गुड न्यूज़ के बाद, गाड़ी की बुकिंग की, आप हमारा वेट करना, ऐसे ही बैठे रहना ठीक है, मधुमक्खी से बचे रहना, इनमें मुंह मत मारना ठीक है। Hey guys, so अभी हम घर पे आ चुके हैं और मैंने वहाँ बिल्कुल भी शूट नहीं किया, बिकॉज का रीज़न भी है जो कि आपको मैं बताता हूँ। और गाड़ी फाइनल हो चुकी है गाइस, फिलहाल अभी हम खाते हैं उसी खुशी में खिचड़ी। खिचड़ी की पार्टी होगी यार, मस्त घी मार के खिचड़ी। सो अभी डिनर के ऊपर आ चुके हैं, अभी सब पधारेंगे उसके बाद बात करते हैं। पीयूष और मम्मी तो आ चुके हैं, ओरियो और साहिल भी आ गए हैं, एंड मम्मी भी आ चुकी हैं, बड़े पापा भी पधार चुके हैं। तो बात ऐसी है गाइस, आज ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाया बिकॉज एक्साइटमेंट थी। तो आज हम गए थे बुक करने के लिए, तो वहाँ पे सीन ऐसा हुआ कि हमको बिल्कुल फाइनल तो कर लिया है बुक, अब हम एक दो दिन में कर आएंगे। कौन सी गाड़ी अभी आपको नहीं बताऊंगा मैं, बिकॉज जिस दिन हम डिलीवरी लेके आएंगे ना वो सरप्राइज रहेगा। थोड़े बहुत व्यूज भी तो चाहिए, अभी बता दूंगा फिर व्यूज। सस्पेंस। और जो कार हमने बुक की है वो मतलब
50-60% कमेंट उसी के आए, तो मतलब 60,000 कमेंट हो गए थे उस वीडियो पे जिसमें मैंने पूछा था कौन सी कार लूं। तो आप कमेंट पढ़ लेना, जो सबसे ज्यादा कमेंट थे वही कार हमने बुक करी है। तो बात ऐसी है, कार हम इस मंथ नहीं ले रहे हैं, बिकॉज हमको चाहिए बिल्कुल नया मॉडल 2021 का, क्योंकि अगर हम अभी लेंगे तो उस पर टैग हो जाएगा तो तुमने 2020 में लिया है। तो अब नया साल आने ही वाला है थोड़ा सा, ये एक ही महीने का तो है, तो हमने सोचा कि 2021 में लेंगे तो ये होगा कि हमने 2021 में लिया स्टार्टिंग में। अगर 20 में लिया तो पूरा एक साल, मतलब एक महीने के चक्कर में पूरा साल ऐसा क्यों करें, इसलिए हमने सोचा कि तो हमको मिल जाएगी कि कार जनवरी के स्टार्टिंग में या फिर 15 जनवरी तक हमको कार मिल जाएगी हमारी डिलीवरी, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग भी वेट करो, हम भी वेट करते हैं। गांव जाना शायद कैंसिल हो जाएगा हमारा, मम्मी लोग ही जाएंगे ओनली। हमने सोचा था कि हम खुद की गाड़ी लेके जाएंगे, बट अभी हम अगर पे कर रहे हैं इतना इतना सेविंग हमने किया है, तो अच्छे से अच्छी कार बुक करें और अच्छे से मतलब 2021 ही लें, अच्छा मॉडल नया। तो इसीलिए हम जल्दीबाजी ना करके आराम से लेंगे। अगर जल्दीबाजी की तो फिर से हमारा पॉपट हो जाएगा। अरे हाँ, सबसे मेन चीज़ आज हमारा बिल्कुल भी पॉपट नहीं हुआ है किसी भी काम में, बिल्कुल अच्छे से गए और अच्छे से बिल्कुल सही काम हुआ, तो वो काफ़ी बड़े पॉपट नहीं हुआ है। और जल्दीबाजी में हमारा हमेशा पॉपट होता ही होता है। कौन सी कार है मैं अभी मम्मी को बता देता हूँ, साहिल को बता देता हूँ। तो मम्मी जी देख लो, ये कार है, वीडियो में मत दिखाना, अभी पीछे से कुछ ऐसी लग रही है। मम्मी की बातें ऐसी होती है। घर नहीं आएगी मम्मी, गली में आएगी, घर आएगी। बात ऐसी है, अभी हम बुक इसलिए नहीं करके आए बिकॉज कलर सबसे मेन चीज है, तो मम्मी जी को कलर पसंद आना चाहिए इसीलिए, और लोन वगैरह का पूरी फैमिली का एक मत होना चाहिए। हाँ, तो इसलिए हाँ, वैसे हम गए तो बुक करने ही गए थे, बट कुछ और ही हो गया वहाँ जाके, तो हम बुक नहीं कर, अभी आपको चल जाएगा पता क्या हुआ, धीरे धीरे जब हमारी गाड़ी आएगी तो थोड़ा वेट कर लो। और बाकी हम कलर मम्मी से पूछ रहा हूँ, देखो ये ब्लैक उल्टा कलर रखा है अपने आई बेड, ब्लैक तो काला काला लग रहा है, है? ब्लैक काला, ज्यादा काला लग रहा। मम्मी कह रही है ब्लैक काला काला लग रहा है, ब्लैक काला ही लगेगा, ब्लैक काला ही लगेगा, ज्यादा काला लग रहा है, ब्लैक तो काला ही होगा, ब्लैक काला लग रहा है गाइस, ज्यादा काला लग रहा है। नहीं गाइस, ऐसी बात नहीं कि हम छुपा रहे हैं, बट एक सरप्राइज होता है ना, तो वो रिवील अभी अच्छा होना ठीक नहीं है, जब वीडियो बनेगी तो आपको अच्छा लगेगा ना एकदम से। व्हाइट तो मम्मी व्हाइट है, व्हाइट तो प्यारी थी, क्या होते हैं एडवांटेज। तो चलो अभी तक बात चल रही है कि हम व्हाइट लेंगे, और आप कमेंट करके बताना कि हमने क्या लेनी थी। ये देखो, ये है रेड, ये व्हाइट, ये सिल्वर, ये ग्रे, ये ब्लैक, ब्लैक तो गाइस बात ऐसी है कि कलर फाइनल हो चुका है, व्हाइट हमने पसंद किया है बिकॉज व्हाइट तो व्हाइट ही होता है ना, ब्लैक अच्छी है यार सरदार। अब गाड़ी सीख ले। हाँ, इतने टाइम में गाड़ी सीख ले तू। अरे हाँ, एक महीना है हमारे पास, आराम से सीख जाएगा। तो अभी गाइस मेरे पास पूरा एक महीना है गाड़ी आने के लिए, तो मैं उसमें गाड़ी सीख सकता हूँ। आज व्लॉग थोड़ा छोटा बना है बिकॉज कुछ ज्यादा टाइम ही नहीं मिला और बहुत बिजी सा शेड्यूल सा था आज, बट जो भी था थोड़ा बहुत मैंने आपके साथ खुशी शेयर की और बता दिया मैंने आपको कि गाड़ी फाइनल हो चुकी है हमारी। तो बाकी आने वाले ब्लॉग्स में देख लेना, बाकी अब गाड़ी के बारे में बात नहीं करेंगे, जब आएगी तो ही बात करेंगे। फिलहाल ड्राइंग करते हैं, आज एडिटिंग में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सिंपल सी छोटी सी वीडियो है। फिलहाल इसको एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करके जाना एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। गाइस मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हे गाइस, तो अभी हम घर पे आ चुके हैं, मैंने वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं किया बिकॉज इसको बंद कर एक बार, तू रिमोट का है, बंद कर टीवी, बंद कर ऑडियो को नीचे कर पहले और टीवी बंद कर। खाना खा रहा हूँ, ऑडियो को ऊपर चढ़ा दिया, टीवी चला लिया, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं दोबारा बोलना, दोबारा बोलना पड़ेगा, चल खुद चढ़ गया उसके नीचे कर।